प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पूर्व के वीडियो में दिक् कोज्या और दिक् अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम दो रेखाओं के बीच का कोण पढ़ेंगे दिक् कोज्या और दिक् अनुपात के पदों में। हालांकि इस वर्ष दो रेखाओं के बीच का कोण कोर्स से हटा दिया गया है, फिर भी आप इसको पढ़ने पर आगे जो है हमें बहुत सहूलियत होगी कुछ बातें बताने में। इसलिए हम आज उसके बारे में उसकी थ्योरी बताने जा रहे हैं, दो रेखाओं के मध्य कोण। तो दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण, तो दो रेखाओं के मध्य, जैसे ये दो रेखाएं हैं तो इनके मध्य का कोण अगर ये थीटा है तो ये कोण उस कोण के भी बराबर होगा जिनके समांतर ये रेखाएं हैं और उनके बीच का कोण। यानी कि यदि हमें ये पता हो कि इसके समांतर ये रेखा है और इसके समांतर ये रेखा है तो इसके और इसके बीच का जो कोण निकालेंगे वही कोण, वो कोण यही चीज आएगी। तो अगर हम इनके बीच का डायरेक्ट ना निकाल के इन दोनों के बीच का कोण निकालेंगे तो वो दोनों रेखाओं के बीच का कोण आएगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है। आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे, आप इसको देखेंगे कि ये एक तरह से संगत कोण ऐसे, तो ये दो रेखाओं के बीच का कोण, इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि इसके समांतर कोई रेखा दी है और इसके समांतर दी है तो उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच का कोण निकाल करके निकालेंगे तो वही कोण जो है इन दोनों के बीच का भी कोण होगा। आइए हम देखते हैं, यहां मानते हैं, माना किस दो रेखाएं, माना दो रेखाएं L1 व L2 हैं जिनकी दिक् कोज्याएं क्रमशः M1 व L2 M2 N2 हैं, तब M1 की दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर A बराबर M1i + M1j + N1k और L2 की दिशा में इकाई सदिश V मान लिया, ये माना हमने A, तो ये बराबर क्या होगा L2i + M2j + N2k। ये इकाई सदिश क्यों है? क्योंकि इनका परिमाण एक के बराबर है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, M1 स्क्वायर + M1 स्क्वायर + N1 स्क्वायर बराबर 1, तो इसका अंडर रूट बराबर भी 1, तो इसका परिमाण एक है, इसीलिए जो है ये इकाई सदिश है और इसी तरह ये भी इकाई सदिश है। तो अब आइए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो यूनिट वेक्टर ए डॉट बी कर देते हैं, यूनिट वेक्टर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर M1i + M1j + N1k, इसका डॉट प्रोडक्ट L2i + M2j + N2k। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i का i के साथ M1 L2, j का j के साथ M1 M2, k का k के साथ N1 N2, और इसका परिभाषा से क्या होगा, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण। अब दो रेखाओं के बीच का कोण कहिए
या चाहे उनका इकाई सदिश, इकाई सदिश यानी जिस ऐसा सदिश जिसका मात्रक एक हो और दिशा वही, तो यहां पर बात एक ही है। अगर ये इकाई सदिश है, कोण दो रेखाओं के बीच का कोण जो है वही रहता है, चाहे उसका इकाई मात्रक लेकर के, यानी इकाई सदिश जो इकाई सदिशों के बीच का कोण होगा वही उनके जो है उस दिशा में किसी भी दो सदिशों के बीच का कोण होगा। तो ये चीज आपके पास, इसका इसका मान वन, इसका मान भी वन, और ये कॉस थीटा बराबर एम वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज एम वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ये सूत्र आ गया। क्या है यानी यदि दो रेखाओं के बीच का कोण, बीच यदि दो दो रेखाओं की दिक को जाए ये दी हो तो उनके बीच का कोण इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ये सूत्र आ गया। अब इसमें कंडीशंस भी हैं, आइए कंडीशंस देखते हैं। केस नंबर वन, केस वन, यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है तब क्या होगा, तब थीटा 90 होगा। और क्या कंडीशन आएगी, यहां पे थीटा 90 रख के देखिए, कॉस 90 इज इक्वल टू एम वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। कॉस 90 जीरो होता है, बराबर एम वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, अर्थात एम वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू बराबर जीरो। ये शर्त आ गई, यदि दो रेखाओं की दिक को जाए दी हो और दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो तो ये शर्त होती है उनके परस्पर लंब होने की, शर्त है किसके पदों में, दिक को जाओ के पदों में। केस नंबर टू देखते हैं, सेकेंड केस, केस टू, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तब यूनिट वेक्टर ए जो होगा बराबर लैम्डा टाइम्स यूनिट वेक्टर बी होगा। और यूनिट वेक्टर ए हम लोग देख चुके थे ये क्या था, ए वन आई, सॉरी ए वन नहीं, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या था, यहां पर यूनिट वेक्टर ए था एम वन आई प्लस एम वन जे प्लस एन वन के, और यूनिट वेक्टर बी क्या था, एल टू आई प्लस एम टू जे प्लस एन टू के। अब यहां मान रख देंगे, जब मान रखेंगे तो देखिए एम वन आई एम वन जे प्लस एन वन के बराबर लैम्डा टाइम्स एल टू आई प्लस एम टू जे प्लस एन टू के। तो यहां लैम्डा गुणा कर दीजिए, तो ये गुणा करेंगे आप तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, ये एन वन आई प्लस एम वन जे प्लस एन वन के बराबर लैम्डा एल टू आई प्लस लैम्डा एम टू जे प्लस लैम्डा एन टू के। ये चीज आ गई। अब दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, तुलना करेंगे आप तो आप देखिए क्या करेंगे, क्या आएगा, यहां आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ तुलना करेंगे तो एम वन इज इक्वल टू लैम्डा एल टू। तो यहां से ये आपके पास एम वन अपॉन एल टू बराबर लैम्डा, इसी तरह से एम वन बराबर लैम्डा एम टू
तो ये आ जाएगा एम वन बटे एम टू बराबर लैम्डा, और एन वन बराबर लैम्डा एन टू बराबर एम वन बटे एम टू, सॉरी ये एन वन है, एन वन बटे एन टू बराबर लैम्डा। तो ये तीनों चीजें आपस से बराबर है क्योंकि लैम्डा बराबर है, अतः क्या शर्त आ गई, एम वन बटे एम टू बराबर एम वन बटे एम टू बराबर एन वन बटे एन टू, ये समांतर होने की शर्त आ गई। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी दिक् कोज्याओं में इस तरह का संबंध होगा, एम वन अपॉन एम टू बराबर एम वन अपॉन एम टू बराबर एन वन अपॉन एम टू, और यदि दो रेखाएं परस्पर लंब है तो उनके लिए ये शर्त है। और दो रेखाओं के मध्य का कोण बता ही चुके थे, कॉस थीटा बराबर एम वन एम टू एम वन प्लस एम वन एम टू प्लस एम वन एम टू कॉस थीटा, दो रेखाओं के बीच का कोण, तो ये कोज्याओं के पदों में, दिक् कोज्याओं के पदों में दो रेखाओं के बीच के कोण आ गया। अब हम देखते हैं दिक् अनुपात के पदों में दो रेखाओं के मध्य का कोण। आइए दिक् अनुपात के पदों में दो रेखाओं के बीच का कोण। अभी हम लोग ने पढ़ा कॉस थीटा बराबर सूत्र, हमने आपको बताया दिक् कोज्याओं के पदों में कॉस थीटा बराबर एम वन एम टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एम टू। यहां पर क्या है, यहां एक चीज और हम मान लेते हैं, माना दोनों रेखाओं की दिक् कोज्याएं क्रमशः एम वन एम वन एन वन व एम टू एन टू हैं तथा दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात क्रमशः ए वन बी वन सी वन व ए टू बी टू सी टू है, तब आप सूत्र जानते हो, मैंने बताया है कि दिक् अनुपात और दिक् कोज्याओं के बीच में सूत्र होता है, जैसे एम वन निकालना है तो ये बराबर होगा ए वन बटे अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, इसी तरह से एम वन बराबर बी वन बटे अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, और एन वन बराबर सी वन बटे अंडर रूट ए वन स्क्वायर, सॉरी ये ए वन स्क्वायर, ये है ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी तरह से इसी प्रकार ए टू की वैल्यू आएगी क्या, ए टू बटे अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, और एन टू एम टू बराबर आएगा एम टू बराबर आएगा बी टू बटे अंडर रूट ए टू स्क्वायर, यहां बी वन है बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, और एन टू बराबर आएगा सी टू बटे अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं जब दिक् कोज्याएं का दिक् को अनुपात में संबंध बताए थे, तो ये हमने आपको बताया था। अब इन सब का मान हम इस सूत्र में रख देंगे, तो देखिए क्या सूत्र बनेगा, कॉस थीटा बराबर
a1 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 बटे अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस यहाँ m1 और m2 का मान रखिए, तो ये रखेंगे ये और ये मान रखेंगे, तो b1 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू b2 बटे अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और प्लस इसका मान रखेंगे n1 n2 का, तो c1 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू c2 बटे अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि नीचे सबका हर समान है, ये बटे में आ गया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और ऊपर a1 a2 प्लस b1 b2 b1 b2 और प्लस c1 c2 ये cos थीटा का ये माना गया, ये सूत्र आ गया। ये सूत्र क्या है, कहे दो रेखाओं के मध्य का कोण यदि उनके दिक अनुपात दिए हों, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब पता है आपको, तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं दो रेखाओं के मध्य का कोण दिक अनुपात के पदों में और दिक कोज्या के पदों में, ये हम बता चुके हैं। अब आइए इसमें केसेस देखते हैं। केस नंबर 1, यदि केस नंबर 1 यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 कॉस 90 कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 बराबर 0, कॉस 90 0 होता है तो 0 यहां रखेंगे तो ये इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये ऊपर बचेगा, तब क्या शर्त आ जाएगी, तब आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये दो रेखाओं के मध्य का कोण, सॉरी ये दो रेखाओं के लंब होने की शर्त है, किसके पदों में, दिक अनुपात के पदों में, ये लंब होने की शर्त। अब देखिए अगर हमें समांतर दिखाना है, केस 2, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर हैं तब आप दिक कोज्या के पदों में जानते हैं समांतर की क्या शर्त है, m1 अपॉन m2 बराबर m1 अपॉन m2 बराबर n1 अपॉन n2। तो यहां पे जब आप मान रखेंगे, देखिए सबकी इसका जब यहां मान रखेंगे m1 की वैल्यू a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और बटे में करेंगे तो यहां नीचे a2 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू b1 बटे, अब m1 और m2 का मान रखेंगे तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू ये m2 का मान रखेंगे तो नीचे v2 आएगा और ऊपर आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर बराबर c1 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और बटे में जब करेंगे तो c2 और यहां अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहां पर देखिए ये अनुपात में ये चीज a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अपॉन दिस, ये चीज तीनों अनुपात में है, तो इस चीज से जो है सब में भाग दे देंगे, यानी अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर
बटे अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, इससे जो है प्रत्येक पद में भाग देने पर, तो यहां ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। ये दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त है दिक अनुपात के पदों में, समांतर होने की शर्त। तो आज इतना ही, बाकी शेष नेक्स्ट वीडियो में।